और कहा, या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरे एहसानात जो मैंने तुम पर एहसान किए थे। अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें सब जहान वालों पर फजीलत दी, तरजीह दी, और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे रसूल के साथ? इसको हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं? कितनी नेमत और एहसान है अल्लाह के हम पर, और उसने हमें चुन लिया अपने दीन के लिए, अपने किताब के लिए, और हम हैं कि उसको अहमियत और तरजीह देने की बजाय इंसानों को अहमियत और तरजीह देते। कितनी कंट्रडिक्शन है हमारी जिंदगी में। अल्लाह ने क्या फरमाया, फद्दलतुकुम, मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्या हमने भी अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से अल्लाह को चुना, या फद्दलतुकुम जो है ना, ये तरजीह देना, प्रेफर करना? अगर उसने हमें दूसरों पर प्रेफरेंस दी, तो क्या हमने भी उसको बाकी सब पे प्रेफरेंस दी? ये सवाल है हम सब का अपने आप से। और अगर